मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने DRDO मल्टीटास्किंग वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूँ रूपनी प्रकाशन से, और मैं उसका रीजनिंग का डिस्कशन आज करने वाला हूँ आप लोग का। और मैं टेस्ट 13 तक डिस्कशन कर चुका हूँ और टेस्ट 14 का डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ, जिस प्रकार मैं पहले भी आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ और आगे भी प्रयास करता रहूँगा। और आज हम लोग टेस्ट 14 का क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपका है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति किस प्रश्नाकृति में निहित है। अब ये देखिए, जो आपका प्रश्नाकृति दिया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे गौर से अपने उंगलियों दो उंगलियों के बीच में उठा करके, तो आपको नज़र आएगा कि आपका सिर्फ विकल्प नंबर ए की आकृति जो है वही आपको प्रश्नाकृति में छिपा हुआ मिलेगा। इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। अब आइए दो नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपका है एनालॉग से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुस्तक प्रकाशक, जिस प्रकार पुस्तक को छपाई हो या फिर उसका प्रकाशित करने में प्रकाशक की पूंजी लगती है, प्रकाशक जो होता है प्रकाशित करता है, उसी प्रकार फिल्म में जो है एक निर्माता जो होता है फिल्म को निर्देशित करता है, प्रकाशित करता है कहने का मतलब, और उसमें मनी जो है पैसा जो है रुपया जो है निर्माता ही लगाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा निर्माता। दो नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर विकल्प। और आइए तीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन आपका है FILM, फिल्म को लिखा जा रहा है, आपको दिया हो ADADGH। अब यहां देखिए आपका सीधा सामने यहां पर -5 है, फिर यहां पर -5 है, -5 है, -5 है, प्रत्येक लेटर में देख रहे हैं -5 करके आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, मिल्क यहां लिखा हुआ है MILK, मिल्क में प्रत्येक लेटर में -5 करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आप देखिएगा 13 में -5 हुआ तो 8 यानी H, 9 में -5 हुआ तो D, और 12 में -5 हुआ तो G, और K 11 -5 हुआ तो F, यानी HDGF आंसर हो जाएगा HDGF, जो कि विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है वो आपको एनालॉग से रिलेटेड है। यहाँ पर 24 है, फिर 60 है, उसके बाद अनुपात समानुपात का चिन्ह है, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है 210, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ देखिए 24 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब -3, 60 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब -4, 210 को आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब -6। यहाँ 3 से 4 तो 6 से क्या हो जाएगा 7, यानी 7 का क्यूब -7 अगर करते हैं, यानी 343 में आप 7 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 336, जो कि विकल्प नंबर सी में है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका कहता है भवन मकान अपार्टमेंट संस्था, यानी भवन मकान अपार्टमेंट जो है तीनों एक गृह आवास को दर्शा एक ही समूह में आता है, और संस्था जो है किसी भवन में भी हो सकता है, मकान में भी हो सकता है, अपार्टमेंट में भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी 5 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब आगे हमारा छठा क्वेश्चन होगा, वो दिया हुआ है लेटर से रिलेटेड। आपका यहां पर देखिए पहला विकल्प 6 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है BFJQ, और दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है RUZG, और तीसरा विकल्प आपका दिया है GJOV, उसके बाद आगे आपका 4 नंबर विकल्प दिया हुआ है ILQX। अब यहां पर देखिए आप, यहां से क्या है +4 है, फिर +4 है, फिर +7 है, और यहां से देखिएगा तो +3 है, फिर यहां से आपका 21 में +5 करेंगे 26, और फिर यहां पे 7 है, यहां पर आप देखिएगा तो +3 है, फिर आपका +5 है, फिर +7 है, यहां पर भी आप +3 देखेंगे, फिर आपका यहां पर +5 है, फिर +7 है। इस तरह से आप देखते हैं तो ये तीनों अक्षर समूह का अंतर जो है एक समान आता है, और एक नंबर विकल्प ए नंबर जो विकल्प है उसका अंतर जो है डिफर कर जाता है इन सबों से, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है आपको नंबर
क्लासिफिकेशन का है, तो 14 है, उसके बाद 9 दिया हुआ है, उसके बाद फिर दिया है 17-8 है, उसके बाद तीसरा विकल्प दिया हुआ है 42-3, और उसके बाद चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है 21-6। अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, अब यहां पर जब आप इस दोनों को गुणा करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 9 126 और 17 18 8 को गुणा करेंगे तो 136 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 42 और 3 को गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा, 21 और 6 को गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 और 8, यानी जो कि विकल्प नंबर 17 और 8 बी नंबर में लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, एक समूह दिया है 2 14 और 16 का। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये गुना 7 है, 2 7 14 और 2 8 16, ऐसा है विकल्प समूह आपको देखना है। तो बी नंबर में देखिए दिया हुआ है 3 21 और 28, 3 × 7 कीजिएगा तो 21 होगा, 3 × और यहां पर दिया हुआ है 24 है, 28 नहीं 24 है। आप यहां पर क्या करो, यहां पर 3 × 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे हमारा मेरा क्वेश्चन होगा 9 नंबर, आप ध्यान देंगे इस पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 नंबर क्वेश्चन सीरीज का है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 15 वाट, 3 15 वाट, उसके बाद दिया हुआ है 63 99 63 99 143। आप प्रत्येक पद में देखिए 2 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 8 का स्क्वायर -1 है, ये 10 का स्क्वायर -1 है, और ये जो है आपका 12 का स्क्वायर -1, यानी वर्ग संख्या में -1 करने पे प्रत्येक पद दिया हुआ है आपका। इस हिसाब से आप देखिए 2 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1 यानी 35। आपका एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 9 का यानी 35, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड है, आपका दिया हुआ 3 28 4, उसके बाद दिया हुआ 65 5, उसके बाद दिया हुआ 126, फिर 6, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां देखिए अल्टरनेट में 3 1 4 1 5 1 6, आप इस तरह से देख सकते हैं जो अल्टरनेट में दिया हुआ है तो ठीक है, उसके बाद जो है हमारा यही इसी 3 का अगर हम घन कर दें और उसमें +1 कर दें तो 28 हो जाएगा, 4 का घन करके +1 कर दें तो 65 हो जाएगा, उसी प्रकार अगर हम 5 का घन करके +1 कर 126 आ जाएगा, 6 का घन करके +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 217, तो हमारा आंसर हो जाएगा 217 यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह है देखिए 36 91, उसके बाद दिया हुआ है 69 31, उसके बाद दिया हुआ है 93 61, उसके बाद दिया हुआ है हमारा 36 91। ऐसा क्वेश्चन आजकल खूब एग्जाम में पूछा जा रहा है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो या डीआरडीओ का आपका एग्जाम है, तो किसी भी तरह के एग्जाम में आजकल जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हम लोग को ध्यान देना है इसमें कि पहला पद ये जो आपका 36 91 है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 36 91 दिया हुआ है। पहला पद अगर आगे आ जाए समझ लीजिए दूसरा पद जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला पद अगर चौथे पद में आ जाता है दूसरा पद हमारा आंसर हो जाएगा, इन 69 31 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, उसमें कहता है कौन सा विकल्प सही है। तो हम पहला विकल्प में देखते हैं 2 है नीचे की ओर और एरो है 5 है और एरो इस तरह से लेटा हुआ एरो है, फिर 6 है, फिर इधर एरो है 2 है, उसका डायगोनल एरो करके दिया हुआ है 6। तो प्रत्येक सिंबल के पास रख दीजिए, यहाँ पर इस एरो का अर्थ दिया हुआ गुना और इस एरो का अर्थ दिया हुआ है माइनस, फिर इस एरो का अर्थ दिया हुआ है प्लस, उसके बाद फिर इस एरो का अर्थ दिया है बराबर।
अब आप देखिए यहां पर दो में अगर हम पांच से गुना करें तो क्या हो जाएगा, दस माइनस छह प्लस दो बराबर छह, दस में छह गया चार होगा, चार में प्लस एक करें दो करेंगे तो छह, छह बराबर छह हो जाता है। इस तरह से ए नंबर विकल्प जो है हमारा समीकरण को संतुष्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू निर्देश। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ए। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हमारा है इस तरह से दिया हुआ है शेप में, यहां पर 9 है 12 है उसके बाद फिर 18 है फिर वाट का चिन्ह है। अब आप यहां पे गौर से देखिए, 9 में हम 3 जोड़ते हैं तो 12, 12 में हम 6 जोड़ते हैं तो 18, 18 में फिर आगे जाके हम लोग 9 जोड़ेंगे यानी यहां से 3 बढ़ा के जो है फिर हम 3 बढ़ा के प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 27, और हमारा आंसर हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन का 27 जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका है मिसिंग नंबर से रिलेटेड, वो देखिए सर्किल दिया हुआ है किस तरह से, ये सर्किल में आपको चार भाग में बांट करके सर्किल में नंबर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर है 34, फिर है 46, उसके बाद दिया हुआ है 58 और यहाँ पर वाट का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करना है इसमें कि यहाँ पर आपका जितना भी दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करके, आपका देखिए यहाँ से ये प्लस 12 किया हुआ है फिर यहाँ भी प्लस 12 किया हुआ है, आगे अगर प्लस 12 करें 70 हो जाएगा जो कि विकल्प में आपका 70 नहीं दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या करें इसमें प्लस ना करके हम लोग यहां से यहां ले आएंगे, इसमें 12 माइनस कीजिए, 12 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा, 22 में प्लस 12 करेंगे तो 34 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 यानी 14 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का ही है, 5 है 2 है 8 है फिर 40 है, उसके बाद दिया है 5 4 3, उसके बाद दिया हुआ है 30, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है 2 1 10, 2 1 10 उसके बाद प्लस वाचक चिन्ह है। तो हम लोग ऐसा केस में क्या करें, यहां पर 5 ये सारा नंबर ये जितना नंबर है आपको उसको गुना कर दीजिए यानी 5 × 2 × 8/2 कर देते हैं। अब यहां पर देखिए 2 2 कट गया 8 5 40 हो जाएगा, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। अब यहां पर हमको निकालना है तो 2 × 1 × 10 ठीक है 10 कर दिए, उसके बाद यहां पर क्या करना है बटे 2 कर देना है, इसमें सारे को गुना करके बटे 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, यहां देखिए 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 20 में 10 से 2 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा 10 जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है दिया हुआ कोडिंग रिकॉर्डिंग से, आप देखिएगा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है PEN, पेन को लिखा जा रहा है NZO, उसके बाद लिखा जा रहा है फिर आपका बार्क को BARK, बार्क को लिखा जा रहा है CTSL, तो हमको निकालना है कोड जिसका वो दिया है PRANK। अब यहां देखिए जितना भी लेटर यहां पर यूज किया उसी लेटर का यूज यहां पर किया गया है, P के लिए N ले लीजिए, R के लिए S ले लीजिए और A के लिए T ले लीजिए, N के लिए O ले लीजिए, K के लिए L ले लीजिए, हमारा आंसर बन जाएगा NSTOL, NSTOL आपका दिया विकल्प नंबर सी में, 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ब्रदर BROTHER, ब्रदर को लिखा जा रहा है आपको 2456 784, उसके बाद फिर उसी प्रकार लिखा गया हम सिस्टर को, फिर आपको SISTER सिस्टर को लिखा गया है 91 96 और 84। अब यहां देखिए हमको निकालना है रॉबर्स ROBBERS, रॉबर्स। अब यहां पर देखिए आप R के लिए क्या लिखा गया है
चार, ओ के लिए क्या लिखा गया है पांच, बी के लिए लिखा गया है दो दो, ई के लिए लिखा गया है आठ, आर के लिए चार, एस के लिए नाइन। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4522484 9, यानी कि आपका दिया हुआ विकल्प नंबर डी में 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष से, कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो शारीरिक व्यायाम जो है वो आवश्यक है। निष्कर्ष कहता है जोन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, जोन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, इससे पता ये नहीं चलता है कि जोन का स्वास्थ्य अच्छा है या शारीरिक व्यायाम करने के लिए खेल रहा है। और दूसरा, अनियमित आयु वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है आपका, ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष, ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों निष्कर्ष गलत होगा। यानी 18 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कथन और निष्कर्ष से, यदि वह बुद्धिमान, इमेजिंग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, यदि वह एक व्यक्ति है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर बुद्धिमान है तो, नहीं है तो उसके बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है। पहला कहता है परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, इसकी जरूरी नहीं, यदि वह बुद्धिमान है तब कर लेगा, ये निश्चित नहीं कर सकते कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर ही लेगा। और दूसरा कहता है वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, यानी दोनों का सेंस एक ही दिया हुआ है, इसलिए ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट निकलता है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी 19 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी है, एक परिवार में एक पुरुष है उसकी पत्नी है, उसके जो है चार पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, इनके चार पुत्र हैं, चार पुत्र हैं उनकी पत्नियां, चार निगेटिव चार पॉजिटिव, चार पॉजिटिव चार निगेटिव, चार पॉजिटिव चार निगेटिव, चार पॉजिटिव चार निगेटिव। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में आपको कि पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में तीन बेटे और एक बेटियां हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक पुत्र के परिवार में तीन बेटा है और एक बेटी है, तीन बेटा है और एक बेटी है, तीन बेटा है और एक बेटी है, तीन बेटा है और एक बेटी है। अब आगे आइए, आगे पूछ रहा है तो पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, पुरुष कितना है वो निकालना है आपको। पुरुष देखिए एक चार 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 चार, फिर यहाँ पर तीन 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 तीन, आप काउंट कीजिए, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, बारह सोलह, कितना हो गया, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, सोलह एक सत्रह। और उसके बाद यहां पर नीचे दिया हुआ था हमारा तीन तीन बेटे और तीन तीन एक पुरुष के पत्नी है, चार पुत्र उसकी पत्नियां हैं। अब यहां देखिए हम लोग यहां पर एक गड़बड़ बना लिए हैं कि यहां पर चार चार जो किए अलग अलग सबकी पत्नी है, पति पत्नी हो गया, चार बेटा बना लिए सबका अलग अलग पति पत्नी, ये हो गया प्लस माइनस, और यहां पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप इसको समझ सकते हैं बेहतर ढंग से, यहाँ तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, ये हो गया चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, ठीक है। तो आपका तीन चौका बारह, तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, प्लस को काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, और उसके बाद ये तीन चौका बारह, बारह प्लस पाँच कितना हो गया सत्रह, यानी पुरुषों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी सत्रह। अब आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हुए हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी डी के बराबर है, यानी बराबर कहने का मतलब बगल में होगा, आसपास होगा, बायां हो चाहे दायां हो। अब क्वेश्चन में कहता है डी ई के पास नहीं बैठा हुआ क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर है। अब यहां देखिए टोटल व्यक्ति है आपका दिया हुआ पांच, अब एक दो तीन चार पांच, ई एकदम बाएं किनारे पर रख लिए ई को। उसके बाद कहता है सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा कर दिए। उसके बाद कहता है ए बी और ई के दाईं ओर, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, तो लेकिन ए और सी के, ए और सी साथ बैठा है, ए और सी साथ बैठेगा। और उसके बाद कह रहा है सी डी के बारे, सी और डी साथ बैठा है, आप क्या करो सी और डी को साथ बैठा लो, और सी और ए जो है वो भी साथ बैठा है, सी और ए को साथ बैठा लीजिए।
और ए जो है बी और ई के दाई ओर है, तो यहाँ पर बी को आपको रखना पड़ेगा तभी दाई ओर ए होगा। इस तरह से आप देखते हैं तो क्वेश्चन में कहता है ए किस स्थान पर बैठा है, ए का स्थान जो है बी और सी के बीच में या मध्य में, मध्य तो विकल्प दिया नहीं है, बी और सी के बीच में विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है, 21 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, ए और बी बहने हैं, ए और बी जो है वाहन है, ए और बी जो है वाहन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है, ए की बेटी है वो आर की बहन है, और आर और एस जो है, आर और एस कह रहा है क्वेश्चन में आर और एस भाई है, आर और एस जो है भाई दोनों प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आपको बी का एस यानी बी जो है एस का कौन है। अब यहाँ देखिए बी जो है इसकी इस ए के लिए तीनों ये बाल बच्चा हो गया उसका बेटा और बेटी, तो जब इसकी ये बहन है तो बी जो हो जाएगी एस की कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, मौसी को अंग्रेजी में आंटी भी बोला जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आंटी, 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है 2 किलोमीटर, फिर वह 90 डिग्री। अब किधरों चल दीजिए आप, यहाँ से आप ए से बी तक गए और उसके बाद कहता है ए से बी तक गया 2 किलोमीटर, उसके बाद कहता है 90 डिग्री बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब हुआ ऊपर की ओर मुड़ना पड़ेगा, इसीलिए आप इसको थोड़ा मिटा लीजिए। अब यहां देखिए ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद कहता है क्वेश्चन में बाईं ओर मुड़ा 8 मीटर चल करके सी पर, ये 8 मीटर चल करके बिंदु सी पर पहुंचा, उसके बाद कहता है वहां से फिर 90 डिग्री बायां मुड़ करके, यहां से फिर 90 डिग्री बायां मुड़ा और 5 मीटर चल करके बिंदु डी पर पहुंचा, उसके बाद कहता है फिर वहां से 90 डिग्री बायां मुड़ा ई पर, ई तक 8 किलोमीटर। अब देखिए यहां से फिर ई तक आया 8 किलोमीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस ये समान हो गया और ये है आपका 2, ये है 5, तो यहां से यहां का डिस्टेंस निकालें 5 - 2 बराबर 3 किलोमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा ए से ई का डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन था आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। चौबीस नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका है दिया हुआ कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, 24 नंबर क्वेश्चन, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली जानकी उत्तर की ओर अपने घर से, उसके बाद वहां से वह दाएं मुड़ करके, यहां से वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, बहुत अच्छी बात, उसके बाद कहते फिर वह दाएं मुड़ी और यहां से फिर वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद कहता है कि यह किस दिशा की ओर जा रही। अब जो है देखिए यहीं से उसका मूविंग बन गया था, तो जा रही है किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण। अब आइए दक्षिण जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है, सी में, 24 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 25 से, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 के लिए जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। इसमें कहता है 6 मंजिला इमारत है, हम इमारत बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मंजिल इमारत बन के तैयार हो गया है हमारा। उसमें कहता है ए चौथी मंजिल पर, ए जो है चौथी मंजिल पर तथा एफ नीचे की मंजिल पर रहता है, बी ए के ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं, बी को ए के ऊपर रहना है ठीक ऊपर नहीं, तो बी हो जाएगा 6 मंजिल पर। उसके बाद कहता है सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, तो सी को यहां रखना पड़ेगा तब। उसके बाद कहता है जो डी नहीं है, सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है लेकिन जो डी नहीं है तो डी को ऊपर कर दीजिए, बच गया कौन ई, तो ई यहां हो गया। अब सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, ए बी डी ए सी ई एफ आपका सीक्वेंस बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया है सबसे ऊपर कौन बैठता है, सबसे ऊपर कौन बैठता है, बी, यानी 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है बी। और 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें कह रहा है ठीक मध्य में रहने वाला व्यक्ति,
ठीक मध्य में, चूंकि छह मंजिल है, ठीक मध्य में ए और सी दोनों होगा, जो कि ए और सी विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है तीसरी मंजिल कौन रहता है, तीसरी मंजिल में सी रहता है, जो कि विकल्प नंबर सी में ही बैठा हुआ है। 27 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है ए के ठीक ऊपर, अब देखिए यहाँ ए के ठीक ऊपर डी रह रहा है, डी है विकल्प नंबर बी में दिया हुआ, 28 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, अब यहाँ देखिए दूसरी मंजिल पर कौन है, ई है, और ई आपका सी नंबर विकल्प में बैठा हुआ है, 29 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उसमें दिया हुआ है पहला विकल्प में 432 है, फिर दूसरा विकल्प में आपका 583 है दिया हुआ, फिर तीसरा विकल्प में आपका दिया हुआ है 693 और चौथा विकल्प में आपका दिया है 671। आप गौर से देखिए तो 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन 4 और 2 को जोड़ने पे 3 नहीं होगा, तो डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा 432, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह है देखिए 1449 दिया हुआ है, उसका दूसरा विकल्प में दिया है 1664, उसके बाद तीसरा विकल्प में आपका दिया हुआ है 2000, उसके बाद आपका दिया हुआ है लास्ट में 2421। अब यहाँ देखिएगा गौर से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 7×2 है, ये 7 का स्क्वायर है, 8×2 है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10×2 है, 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर 12×2 है, लेकिन ये 12 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है, दिल्ली, DELHI दिल्ली को लिखा जा रहा है आपका 73541। उसी प्रकार कलकत्ता, CALCUTTA, इसको लिखा जाता है 82 58, उसके बाद फिर दिया 96 62 96 62, तो हमको निकालना है इसका कालीकट का, CALICUT कालीकट। अब देखिए सी के लिए क्या दिया, 8, ए के लिए 2, एल के लिए 5, और आई के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 1, और सी के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 8, उसके बाद यू के लिए दिया है 9, टी के लिए दिया है 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 82 51 896, 82 51 896 विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ, 32 का आंसर है विकल्प नंबर सी। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन जो आपका, 33 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माँ है और एक पुत्री है। आप देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में पुत्री है और ये माँ है। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पांच वर्ष पूर्व जो है एक माँ की आयु पुत्री की आयु 3 गुणी थी। अब 5 वर्ष पूर्व हम मान लेते हैं पुत्री का आयु x था, तो माँ की आयु क्या था 3x। अब कहता है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा दोनों में, अब फिर 5 वर्ष बाद जाने के दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा 10-10 जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों में 10-10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाए 5 वर्ष बाद का इसका उम्र। अब कहता है 5 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु का 2 गुना, यानी बेटी की आयु का 2 गुना हो जाएगा माँ का उम्र। इक्वल कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा इजीली वे में 2x + 20 = 3x + 10। इसको उधर ले जाइए, x बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू 10 निकल गया। x आप माने थे पुत्री का 5 वर्ष पहले का उम्र, और वर्तमान में पुत्री का उम्र पूछेगा तो 10 में प्लस 5 कर दीजिए तो कितना वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू पुत्र है पी का, क्यू जो है पी का पुत्र है,
उसके बाद कहता है पी का एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स जो है क्यू की पुत्री है, बना लिए नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन में आर बुआ है एक्स की, आर जो है बुआ है एक्स की, यानी बुआ है इट मीन्स इसकी बहन हो जाएगी। उसके बाद आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन में और एल पुत्र है आर का, एल जो है आर का पुत्र है, एल जो है आर का पुत्र है, प्लस हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है एल क्या लगता है पी का। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके लिए पुत्र है, पुत्र की बहन, इसके लिए हो जाएगी ये पुत्री। अब पुत्री का ये पुत्र है, पुत्री किसी भी आदमी के पुत्री का पुत्र जो है होता है नाती, वो कहलाता है नाती। अब यहां पर देखिए विकल्प में आपका नाती दिया है, देवता, देवता बोला जाता है नाती को भी, देवता। और आजकल इसको जो है पौत्र भी कहा जाता है, पौत्र यानी पोता भी बोलते हैं, पोता ऐसे होता है दादा के रिलेशन में, नाती होता है नाना के रिलेशन में। तो यहाँ पर विकल्प में देवता दिया, देवता से आप समझ सकते हैं देवता नाती को ही कहा जाता है, देवती नातनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है ये 35 नंबर, उसको आप देखेंगे ध्यान से। 35 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, कहता है क्वेश्चन में पांच पक्षी कौआ कबूतर छोटा कबूतर बड़ा कौआ गरुड़ एक पेड़ पर की शाखा पर एक के बाद एक उड़ते हैं, बड़ा कौआ कौआ के बाद, बड़ा कौआ जो है यहां देखिएगा कौआ के बाद बड़ा कौआ, बड़ा कौआ। उसके बाद आपका कहता है मगर गरुड़ के आगे, मगर गरुड़ के आगे, ये गरुड़ के आगे उड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है गरुड़ के आगे कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में, कबूतर जो है कबूतर यहां पर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बीच में छोटा कबूतर कौआ के आगे, छोटा कबूतर जो है कौआ के आगे हो जाएगा छोटा कबूतर। उसके बाद आपका क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पीछे कौन सा पक्षी, आप यहां से देख सकते हैं सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, गरुड़ है, जो कि विकल्प नंबर सी में आता है। 35 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। और इस तरह से आज टेस्ट सीरीज 14 का डिस्कशन देने का समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसी तरह से टेस्ट सीरीज 15 को लेकर के। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।